पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान इस समय जेल में हैं। उनके समर्थकों द्वारा बड़े स्तर पर प्रदर्शन हो रहे हैं। इन प्रदर्शनों में सबसे प्रमुख चेहरा उनकी तीसरी पत्नी बुशरा बीबी है। बुशरा बीबी कौन है और कैसे वो इमरान की जिंदगी और राजनीति में एक अहम भूमिका निभाती आई है, आइए जानते हैं उनकी दिलचस्प और रहस्यमय कहानी। बुशरा बीबी, जिन्हें पाकिस्तान में इमरान खान के आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में जाना जाता है, आज इन प्रदर्शनों की अगुवाई कर रही हैं। बुशरा बीबी जो हमेशा बुरके में रहती है, उन्होंने 2018 में इमरान खान से शादी की थी। ये इमरान खान की तीसरी शादी थी और शादी से पहले बुशरा एक जानी मानी आध्यात्मिक गुरु थी। इमरान कहते हैं, बुशरा की बुद्धिमत्ता और चरित्र ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया। वो सिर्फ मेरी पत्नी नहीं है बल्कि मेरी आध्यात्मिक गुरु भी है। इमरान खान और बुशरा बीबी की शादी विवादों से घिरी रही। शादी के वक्त बुशरा अपने इद्दत काल में थी, जो इस्लामी कानून के अनुसार शादी करने के लिए अनुचित माना जाता है। इस मुद्दे पर पाकिस्तानी मीडिया और धार्मिक हलकों में खूब चर्चा हुई। बुशरा बीबी, जो सूफी मत की अनुयायी है और मशहूर सूफी संत बाबा फरीद की फॉलोअर भी मानी जाती है, कहा जाता है इमरान और बुशरा की पहली मुलाकात भी एक सूफी दरगाह पर ही हुई थी। लोग मेरे सपनों की कहानियों पर यकीन करते हैं, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। मैं एक सामान्य औरत हूँ जो अपने धर्म और परिवार से जुड़ी है, ऐसा बुशरा कहती है। आज बुशरा बीबी इमरान के समर्थकों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है। वो प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण आंदोलन की अपील भी कर रही है, लेकिन उनके आलोचक कहते हैं कि उनका ये आध्यात्मिक मार्गदर्शक का व्यक्तित्व सिर्फ इमरान खान की छवि को मजबूत करने का एक प्रयास था। इमरान खान और बुशरा बीबी की जोड़ी ने पाकिस्तान की राजनीति और धर्म को एक नया मोड़ दिया है। लेकिन अब जब इमरान जेल में हैं, उनकी पार्टी संकट में, तो क्या बुशरा बीबी इस तूफान से उन्हें निकाल पाएंगी, ये तो वक्त ही बताएगा। पाकिस्तान में राजनीतिक उथल पुथल के बीच में पीटीआई का रुख क्या होता है, ये सब जानने के लिए आप देखते रहिए जनसत्ता। इससे जुड़ी हमारी और भी रिपोर्ट्स आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।